यूथ और डीआरडीओ के बारे में आपको यही जानकारी होगी कि डीआरडीओ तबाही का सामान बनाता है और दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भारतीय सेना और भारत को मजबूत करता है, और डीआरडीओ के खतरनाक हथियारों से दुश्मन भारत के नजदीक नहीं आता, लेकिन ये डीआरडीओ का एक पक्ष है। आप डीआरडीओ के दूसरे पक्ष को नहीं जानते, तो आज हम आपको बता रहे हैं डीआरडीओ का दूसरा पक्ष क्या है। जी हाँ, डीआरडीओ लद्दाख में 12 फुट की ऊंचाई पर बैगन, भिंडी और तरबूज भी उगाता है, जिससे किसानों की जिंदगी खुशनुमा बनती है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये वीडियो देखिए, जिसमें किसान डीआरडीओ की मदद से कैसे खेती करता है और अपनी जिंदगी में खुशहाली लाता है। ये वाटर मेलन की बात करें तो हम ये वाटर मेलन 4 साल से लगा रहा हूँ, 2016 से। पहले हमको डीआरडीओ ने ट्रेनिंग दिया, एक्सपोजर टूर कराया, ट्रेनिंग दिया उन्होंने हमको कैसे लगाना है मल्चिंग टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने हमको बहुत सपोर्ट दिया, उन्होंने भी हमको मल्चिंग ला के दिया, हर सब्सिडी में सीड ला के दिया सब्सिडी में। इसलिए हमें बहुत हिम्मत भी हो गया कि डिपार्टमेंट भी हमें साथ दे रहा है, तो हमें इतना वो नहीं हो रहा है। फिर अभी हाल ही में हो गया कि इसको हम वाटर मेलन के लिए सब्सिडी भी निकल सकते हैं। एक कनाल को लगाएगा तो 15,000 वो दे रहा है, लोन भी दे रहा है जी 4% में। यूटी बनने के बाद अभी फंड्स मोदी सरकार जो फंड्स हमें दे रहा है वो पहले से 10 गुना ज़्यादा फंड्स मिलता है, और उस वजह से हमें जो कोई भी डेवलपमेंट करना हो तो उसमें हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। वाटर मेलन जो हमारे गांव में जो जहां लद्दाख में सबसे पहले लगाया था, इस वाटर मेलन से हमें बहुत फायदा हो रहा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कह रहा था कि हमें 2022 तक कि हम किसानों को दुगना करेंगे, तो हमारे हिसाब से हमारे लद्दाख की लोग को अगर आप दुगना करें तो यही चैनल के थ्रू हम बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी तक पहुंचे तो हमारा यहां जो पहले कह रहा था कि लद्दाख में कुछ नहीं उगता है, सूखा पहाड़ होता है, ये होता है, हमें अभी आपको हमने जो यूटी मिलते हमने आपको ये आपको दिखाया था कि बहुत अच्छा होता है, हमारे लद्दाख में हर सब्जी उगता है। तो आपने देखा है कि कैसे डीआरडीओ हथियार ही नहीं भारत के किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी ला रहा है। आपको मालूम हो दुश्मन भारतीय सीमा के पास पिछले 5 महीने से खड़ा है, और भारतीय सेना भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीना ताने खड़ी है। ऐसे में लद्दाख के लोगों के लिए डीआरडीओ किसी देवदूत से कम नहीं है, जो उनकी जिंदगी सुधार रही है।